जिना को हमने थूक दिया था, यही सजा दे रही हैं आप मुझे? जिना पे हमने लानत भेजी थी, गांधी को अपनाया था, ये सजा दे रही है मुसलमान को? आप सिर्फ चिल्लाना जानती हैं, आपको मालूम नहीं है कि यहाँ मुसलमान जो रहा उसने गांधी को थूक को अपनाया था, जिना के ऊपर थूक दिया था, अपने खून को बांटा था। एहसान मानने के बजाय हम पे शुभा करते हैं, हमसे 70 साल के बाद पूछते हैं कि हम देशद्रोही हैं। सर मुझे इसका मतलब बताइए कि सीए के प्रोटेस्ट में भारत पाकिस्तान वाली आजादी का क्या मतलब है? सुनने से नहीं बनेगा, सुनने की कुव्वत रखिए। मुझे फैक्ट पे बात बताइए। मैं अपनी बात आपको बता रहा हूँ, तारीख बता रहा हूँ, समझिए, क्योंकि आपकी उम्र नहीं है इतनी, आप समझे। जयप्रकाश मेरी उम्र है तभी यहाँ खड़े होकर आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ। सर आप मेरी काबिलियत पे उंगली मत उठाओ कि मुझ में तमीज है या फिर बात करने का या फिर मुझे क्या चीज नहीं है। मैं पढ़ के चीजें आई हैं और फैक्ट पे ही बात करने के लिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ आपसे। आप मुझे बताइए, मेरी बात सुन लीजिए। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद अदीब। ये लीजिए, मोहम्मद अदीब राज्यसभा से। सर फिर सीए के लिए क्या कहना चाहोगे? विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं सीए को आए हुए महीने भर से ज्यादा हो गया, अभी भी लोगों को बरगलाने में लगी हुई है, कहती है कि निकाल दिया जाएगा मुसलमानों को। सीए वो बिल है, शर्मनाक बिल है, जिसमें पूरी दुनिया परेशान है और हिंदुस्तान की बेइज्जती पूरी दुनिया में हो रही है सीए को लेकर। जी, क्योंकि ये पहला कानून है जिसमें कहा यह जा रहा है कि अगर तुम फना फना मजहब के हो तब तो तुमको सिटीजनशिप मिलेगी और अगर तुम मुसलमान हो तो नहीं मिलेगी। दुनिया में ये कानून कहीं सुना है आपने? ये अमेरिका भाग भाग के जाते हैं, इंग्लैंड भाग भाग के जाते हैं, वहाँ अगर इनसे कहा जाए तुम हिंदू हो नहीं आ सकते हो तो ये कानून पसंद आएगा इनको? ये कौन सा कानून है? गांधी के मुल्क में जहाँ अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन चलता है वहाँ ये कहा जा रहा है कि आपने कहा कि ये बहुत बुरा कानून है, पर यहाँ जब देशों का बंटवारा हुआ था 1947 में तो उसके बाद गांधी जी और नेहरू जी ने खुद कहा था कि अगर कोई देश का बंटवारा हो चुका है उसके बावजूद भी अगर कोई परेशान है अन्य देशों में तो वो भारत आ सकता है, और जो देश पाकिस्तान मुसलमानों का देश, अफगानिस्तान मुसलमानों का देश, अगर वहाँ पे उन्हीं लोगों पे कैसे अत्याचार हो सकता है? ऐसा है कि यहाँ अत्याचार नहीं हो रहा है, यहाँ लिंचिंग नहीं हो रही है, यहाँ नहीं कहा जा रहा है हमारे साथ। आप बात करती हैं पाकिस्तान की, हिंदुस्तान की बात करिए, हिंदुस्तान में क्या कर रहे हैं आप? कहाँ पे लिंचिंग हुई सर मुसलमानों के साथ? अगर आपको ये नहीं मालूम है तो आपको टेलीविजन पे आने नहीं चाहिए। मुस्तकिल लिंचिंग हुई है जब से ये सरकार आई है। 1984 में सिखों को मारा गया, कांग्रेस की सरकार, किसी की सरकार हो, हमारी गवर्नमेंट है, हमारा मुल्क है। लेकिन आपने बात की है सीए की, ये कानून है क्या? अगर आप मुसलमान के अलावा कुछ और हैं तो आपको सिटीजनशिप मिलेगी, लेकिन अगर आप मुसलमान हैं तो आपको नहीं मिलेगी। तीन देश मुसलमानों के हैं वहाँ से भी यहाँ पे के हैं, तीन देश मुसलमानों के तो भारत से अलग हुए हैं। मैंने ये कह रही, वैसे मुसलमानों के देश तो 54 हैं, फिर उनके अब ये बात है कि यहाँ भारत मुसलमानों का देश। एक बात बताइए, अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश अगर वहाँ के प्रताड़ितों को यहाँ बुलाया जा रहा है तो इसमें क्या बुरा है? मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा कि 25% हिंदू मेरे यहाँ हैं, अगर मैं ये लागू कर दूँ तो क्या होगा? इतना ही तो कहा था, उनसे रिश्ता तोड़ लिया, कहा कि अब आपके साथ इंपोर्ट नहीं करेंगे, आपसे माल नहीं खरीदेंगे। और अगर ये दूसरे मुल्क कहना शुरू कर दें तो इनको ये समझ आनी चाहिए, ये मुल्क की पहचान गांधी की फिक्र से है। पाकिस्तान बनने की बात बार आप करती हैं, ये किसने बनवाया? सुनिए सुनिए सुनिए, ये किसने बनवाया? ये सरवारकर और गुलवारकर ने बनवाया। और जब पाकिस्तान बन गया और पाकिस्तान से ये मामला तय किया गांधी ने कि भाई हम सहयोगियों की तरह रहेंगे, भाइयों की तरह रहेंगे, तो गांधी को मार डाला। अब गांधी की रूह को मारने के लिए आप घूमते फिर रहे हैं? अरे ये शाहियत आ गई है, शाह की हुकूमत चल रही है, ये जमहूरियत। आपने कहा कि सीए बहुत बुरा कानून है, ठीक है, अगर सीए का प्रोटेस्ट लोग कर भी रहे हैं तो उसमें भारत मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और जिन्ना वाली आजादी का क्या मतलब है? ये किस जगह लगी है बात? शाहीन बाग। आप पैदा नहीं हुई थी जब जेपी मूवमेंट चला है, मैं उसका शिकार हूँ। जेपी ने क्या कहा था? जयप्रकाश ने कहा था फौज से कि बगावत कर दो। जयप्रकाश ने कहा था सरकारी मुलाजमीन से कि तुम काम करना छोड़ दो। मुझे इसका मतलब बताइए कि सीए के प्रोटेस्ट में भारत पाकिस्तान वाली आजादी का क्या मतलब है? से नहीं बनेगा, सुनने की कुव्वत रखिए। मुझे फैक्ट पे बात बताइए। मैं अपनी बात आपको बता रहा हूँ, तारीख बता रहा हूँ, समझिए, क्योंकि आपकी उम्र नहीं है इतनी, आप समझें।
जयप्रकाश मेरी उम्र है तभी यहाँ खड़े होकर आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ सर, आप मेरी काबिलियत पे उंगली मत उठाओ कि मुझ में तमीज है या फिर बात करने का या फिर मुझे क्या चीज नहीं है। मैं पढ़ के चीजें आई है और फैक्ट में ही बात करने के लिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ आपसे, आप मुझे बताइए। मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको जो समझा रहा हूँ कि जयप्रकाश नारायण ने यह नारा दिया था जिसके अंदर रविशंकर प्रसाद भी मेरे साथ थे वहाँ उस मूवमेंट में, उनको तो देशद्रोही नहीं कहा गया। जो आदमी ये कह रहा है कि ये सीए जो है गैर कानूनी है, कोर्ट में केस है, उसको आप देशद्रोही बता रहे हैं, ये किस किस्म के लोग हैं भाई? भाई देशद्रोही की बात मैंने नहीं की सर, मैंने आपसे ये कहा कि इसका क्या मतलब है कि सीए के प्रोटेस्ट कर रहे हो आप, पहले सीए का प्रोटेस्ट कर रहे हो, आजादी दी है कहा है उन्होंने, ये क्यों फिर ये वाली का मतलब है कि जिन्ना वाली आजादी चाहिए? नहीं नहीं, जिन्ना वाली आजादी का, जिन्ना वाली आजादी, और फिर बोलते हैं मारा किसे जा रहा, और फिर वो बोलते अच्छा फिर इसका मुश्किल ये है कि आप लोगों ने जो आप मीडिया वीडियो देखी होगी आपने अगर यूपी की, तो उसमें है पाकिस्तान जिंदाबाद का। अरे जिना को हमने थूक दिया था, यही सजा दे रही हैं आप मुझे? जिना पे हमने लानत भेजी थी, गांधी को अपनाया था, ये सजा दे रही है मुसलमान को? आप सिर्फ चिल्लाना जानती हैं, आपको मालूम नहीं है कि यहाँ मुसलमान जो रहा उसने गांधी को अपनाया था, जिना के ऊपर थूक दिया था, अपने खून को बांटा था। एहसान मानने के बजाय हम पे शुभा करते हैं, हमसे 70 साल के बाद पूछते हैं कि हम देशद्रोही हैं? शर्म नहीं आती इन लोगों को? आपने कहना शुरू कर दिया जिना जिना जिना, अरे जिना पे हम लानत भेज चुके हैं, अपने खून को बांट चुके हैं, और तब हम इस मुल्क में खड़े हैं, हमसे कहा जा रहा है, उल्टे सीधे कानून बनाते हैं आप। दुनिया में कोई कानून ऐसा नहीं है कि फला मजहब के हो तो तुम्हें सिटीजनशिप देंगे, फला मजहब के हो तो नहीं देंगे, ये कोई कानून है? अगर ऐसा कानून है तो अमेरिका जाने को अगर कह दे अमेरिका कि सिर्फ क्रिश्चियंस को बुलाएंगे तो क्या होगा? 70% हिंदू दुबई में काम करता है इंडियंस का। क्या कहना चाहोगे कि कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी खूनी है? देखो ऐसा है कि पीएम मोदी हो या किसी पे मैं पर्सनल कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन जो भी ब्रेक करेगा वो देशद्रोही है। मुझे इस बात बताइए, मणिशंकर अय्यर जो ये कहते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी खूनी है, उस बात के लिए क्या कहते हैं? मणिशंकर अय्यर कहते हैं शाहीन बाग में जाके कि मेरे हाथ में ताकत है या फिर खूनी पीएम नरेंद्र मोदी के हाथ में, जेल भेज दो उसको, भेज दो उसको भाई। मैं कहाँ कर रहा हूँ, मैं किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है। बात के लिए कहना चाहोगे कि संजय राउत ये कहते हैं कि इंदिरा गांधी के संबंध अंडरवर्ल्ड के साथ थे और इसमें भी कांग्रेस अभी तक चुप्पी साधे बैठी है, क्यों? मैं न कांग्रेस का नुमाइंदा हूँ न बीजेपी का हूँ, मैं फैक्ट की बात कर रही हूँ, मैं क्यों इंडिपेंडेंट एमपी था, इंडिपेंडेंट हूँ, गांधी को मानता हूँ, इसीलिए अपने खून को बांटा और इस देश में रहा और मरते दम तक रहूँगा। जैसे कि अगर सीए का कानून हो या फिर जो भी हो उसे लेकर कांग्रेस दूसरे ही दिन सड़कों पर आ गई थी, कहती है कि भाई ये कानून ये है, मान ली बात, चलो मैंने आपकी बात मान ली, आपने कहा कि विरोधी कानून है ये भी ठीक है, पर इस बात के लिए जब इंदिरा गांधी के लिए इतना बड़ा बयान दिया जाता है संजय राउत की तरफ से तो फिर उसे लेकर क्यों नहीं सड़क पर आते, उसे लेकर संजय राउत से क्यों सोनिया गांधी नहीं कहती कि भाई इतना बयान तुमने कैसे दिया वो भी बिना तथ्यों के? सोनिया गांधी से पूछिए ना जाके, मुझसे क्या पूछ रही है, मैं उस पार्टी का मेंबर हूँ, ये किस तरह की बातें कर रही है? अबे सोनिया गांधी ने फला कहा और उसे जाके पूछे जाके? मैं आपको सिर्फ एक बात ये कह रहा हूँ कि इस मुल्क के जो आपने कहा ना कि मुझसे पूछने की बात क्या है कि यहाँ पे पब्लिक को राइट है बोलने का, इसीलिए पूछ रही हूँ। बात कर लो, देखिए मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो आप ले लेकर घूमती है ना ये कि ये हो गया ये होगा, ये सब मत करिए। काम है मेरा सर, कैसे रोक दूँ? हिंदुस्तान का नौजवान खड़ा हो गया है, मैं 50 साल के बाद पहली बार देख रहा हूँ कि यहाँ का नौजवान खड़ा हो गया। शाहीन बाग की औरतें नहीं हैं, IIT के लोग खड़े हैं, टाटा इंस्टीट्यूट के लोग खड़े हैं, बॉम्बे के लोग खड़े हैं, हर जगह का स्टूडेंट खड़ा हो गया है। हम इस देश को नहीं बचा पा रहे हैं, नौजवान बचाएगा, और ये नौजवान ही है जो इस देश को बचाया है हमेशा और फिर बचाएगा और गांधी के उस ख्वाब को पूरा करेगा जो इन लोगों ने तोड़ा है। थैंक यू। ये एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है जो नागरिकता देता है, नागरिकता लेता नहीं है। पहले सबसे पहले विरोध करने से पहले इसका रीड करें, पढ़ें। पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस चीज को लेकर कई बार बता चुके हैं कि ये नागरिकता देने के लिए है, लेने के लिए नहीं है, उसके बावजूद भी एक महीने से ज्यादा हो गया शाहीन बाग में लोग ट्रैफिक रोक के बैठे हैं और ये कह रहे हैं हमें जिन्ना वाली आजादी चाहिए। देखिए जो ट्रैफिक रोक के बैठे हैं शाहीन बाग में वो एक तरह से ही बिल्कुल गलत है कि आप अपने आप को खुद परेशान कर रहे हो, दूसरों को भी परेशान कर रहे हो। मतलब ट्रैफिक रोकने का मतलब ये है कि
कि वो खुद तो परेशान हुए हैं, उन्होंने मतलब कई सैकड़ों आदमियों को और परेशान कर दिया, तो मैं ट्रैफिक रोकने के हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ। और जब हाई कोर्ट दिल्ली पुलिस से बोलता है कि शाहीन बाग में जो लोग प्रोटेस्ट में बैठे हैं उन्हें हटाने का टाइम आ गया, क्योंकि उससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा, और जब पुलिस उन्हें हटाने के लिए जाती है तो वो पुलिस के सामने ही नारे लगाते हैं। देखिए, उनको हाई कोर्ट की वैल्यू को समझना चाहिए, और जो कोर्ट ओवरऑल आवर कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे ऊपर पार्ट है, और एवरीबॉडी शुड बी रेस्पेक्ट फॉर देम, उसको रेस्पेक्ट करनी चाहिए। और अगर कोर्ट ने बोला है क्या कहते हैं, एक आसान तरीके से आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ उनको हटाया है, उन्होंने कोई ज़बरदस्ती करने की बात नहीं की है, तो उसी कोर्ट ने उनके एक बेहतरीन मैनिपुलेटेड डिसीजन दिया है, अच्छा डिसीजन दिया है, तो उसी डिसीजन के देखते हुए क्या कहते हैं, उनको खाली कर देना चाहिए। थैंक यू। सीए जो है एक ठीक सी चीज़ है, और एक बात यह है कि जब प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सीए से किसी को नुकसान नहीं है भारतीयों को, तो हमें प्रधानमंत्री जी पर विश्वास करना होगा, ठीक है ना जी। और ये है कि जैसे कि भाई कोई कह रहा है कि मुझे नागरिकता छिन जाएगी, ऐसे कैसे छिन जाएगी, ये कोई नागरिकता छीनने की चीज़ को, इसको तो ऐसा समझ लीजिए जैसे कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं महफिल के अंदर, हमने खाना खाया हुआ है, पेट भरा हुआ है हमारा, अब कोई भूखा बाहर से आया तो हमने उसको खाना खिलाया, तो ये कोई है कि उसको भूखे को खाना खिलाएंगे तो हमारे पेट में का खाना निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सीए से किसी को कोई नुकसान नहीं है, बस ये है कि लोग इसको समझ नहीं पा रहे आज तक जितने भी। विपक्षी पार्टियाँ ये कहती हैं कि भारत से मुसलमानों को निकालने के लिए भाजपा सरकार ये फैसला लाई। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, भारत से क्यों निकालेगी मुसलमानों को, अगर भारत से निकालना होता तो 47 में रोकते क्यों, 47 से सब यहाँ पे रह रहे हैं, सब भारतीय नागरिक है, ये तो उन लोगों को है जो कि वहाँ पे परेशान हाल है, किसी दूसरी कंट्रियों में पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में वहाँ लड़ाइयाँ जंगें इतनी होती रहती हैं, वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी है छोटी सी तादाद में, तो वो परेशान है, अगर वो हमारे यहाँ पर आ जाएंगे तो ठीक है भाई, रह लो हमारे यहाँ पर आन के, और उनका हक भी बनता है क्योंकि वो अखंड भारत का हिस्सा है, वो जो आज पाकिस्तानी हिंदू है वो पाकिस्तानी नहीं है, हिंदुस्तानी ही है वो, क्योंकि वो अखंड भारत थे, मजबूरी थी उनकी, पार्टीशन हो गया, वो वहाँ रह गए, अब अगर वो आना चाहते हो तो उनका स्वागत है।